आप लोग साउंड के पास अगर ऐसे धक्का मुक्की करेंगे, कार्यक्रम खेसारी आया है और बंद हो जाएगा। तो साउंड के पास जितने भी वॉलंटियर है, लाठी डंडा लेकर साउंड के पास आप लोग रहिए, ताकि कोई साउंड के पास धक्का मुक्की ना करे, नहीं तो ये कार्यक्रम बंद हो जाएगा। तो साउंड के पास से लोगों को हटा दीजिए, इधर से भी और उधर से। मैम सबसे पहले इस नवादा के धरती को, रजौली के धरती को, जितने भी मेरे लोग हैं सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूं। इतनी मोहब्बत मैंने जिंदगी में कभी कहीं कहीं किसी के लिए नहीं देखा था, जो मोहब्बत आज आप सबने खेसरिया को दे दिया। धर्मेंद्र भी आपको दिल से प्रणाम, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे बड़े भाई छोटू छलिया, मंच पे जितने भी लोग हैं सबको सम्मान करता हूँ। मेरे भाई आ गए हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं? एक चीज आप लोग निर्णय ले लीजिए, भैया कुछ बोले इनसे बात कर लीजिएगा। लेवल बढ़ा दीजिए चाटी का। निष्ठापूर्वक काम को करें, किसी पे लाठी ना चलाएं, क्योंकि कुछ ही क्षणों में माननीय मंत्री पहुंचने वाले हैं और उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। एकदम आप लोग शांति बनाए रखें, आप लोग भाई मजा लेने आए हैं तो थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए शांति बनाए। आप लोग से सादर अनुरोध है कि शांति बनाए, और जितने भी वॉलंटियर है उनसे भी निवेदन है कि उन लोग शांति बनवाए। सब लोग से मेरा आग्रह है कि शांति बनवाए भाई, शांति बनवाए, ताकि किसी तरह के कोई इधर उधर से कोई भी आदमी इधर पे इस गेट मंच के बगल में जो भी है वॉलंटियर उनको देख रहा होगा कि माननीय मंत्री जी का मंच वही है, वहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगावे। अब पेड़ पर जो भी लोग चढ़े हुए हैं वो नीचे उतर जाए, क्योंकि रात का समय है, किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। अरे भाई पेड़ से नीचे उतरिए आप लोग, पेड़ से नीचे उतर के वो देखिए आप लोग। स्टेज पर जितने अनावश्यक लोग हैं भैया वो स्टेज खाली कर दे भैया, जिसका इंतजार बहुत देर से था भैया, घड़ी आ गई है। हमारे मुख्य अतिथि भैया बिहार कैबिनेट के सहकारिता मंत्री श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी मंच पे आगमन उनका हो रहा है। एक बार जोरदार नारा लगाए।